हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनमोल स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिमिंगटन के स्ट्रेटनर का रिव्यू। इसके ये वाला मॉडल, अच्छा मैंने ये स्ट्रेटनर यूज़ किया है और अनबॉक्सिंग मैंने खुद पहले कर ली थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए अभी मजा आएगा ना वीडियो। और मैं इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चीज़ जब तक इंसान इस्तेमाल ना कर ले उसके बारे में रिव्यू करना मेरे लिए तो मुश्किल होता है, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैंने तो इसको फिर यूज़ किया, यूज़ करके मैंने अच्छे से फिर जब मैं सेटिस्फाई होगी तो मैंने कहा कि हाँ अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, सब चीज़ें दिखाती हूँ क्या क्या इसके बॉक्स में थी और किस तरह ये काम करता है और कितनी हीट, इसका जो टेम्परेचर स्केल है वो कैसा है और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसमें से स्ट्रेटनर जो आप देख ही रहे हैं वो था और हीट प्रोटेक्ट स्प्रे थी इसके अंदर। इसके अलावा इसके साथ दो बुक्स थी और एक इसका पाउच था। इसका स्ट्रेटनर की लुक कुछ इस तरह की थी, लॉक तो मुझसे खुल नहीं रहा था और ये काफ़ी मुश्किल के बाद ही खुला था मुझसे। लॉक ओपन हो गया, मैं इसको लॉक करके रखती हूँ, आप लोग भी लॉक करके रखा करें ताकि डैमेज ना हो। अच्छा खैर, लॉक ओपन होने के बाद मैं जो है इसके फीचर्स आपको बता दूँ। यहाँ पर इसका टेम्परेचर शो होता है, आप इसको अप डाउन और टेम्परेचर को इसके कर सकते हैं और ये इसकी साथ में वायर है। और मैं इसकी अभी प्लग इन करके इसको ऑन करके भी आपको दिखाऊँगी। ये इसके साथ दो बुक्स आई थी, एक में तो कुछ भी मतलब मुझे समझ नहीं आई, उसमें इंग्लिश नहीं थी, कोई और ही लैंग्वेज थी, मैंने गौर नहीं किया वरना मैं वो भी बता देती कि कौन सी लैंग्वेज थी, फ्रेंच थी या क्या था उसके अंदर। दूसरी बुक भी कुछ इस तरह की थी, मैंने पर्सनली भी इसको रीड नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि स्ट्रेटनर को कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और यूज़ करने का मेथड लिखा होता है। मैं आपको नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियो होगी उसमें इसको बकायदा यूज़ करके दिखाऊंगी बालों पर कि ये किस तरह से कितना बालों को स्ट्रेट करता है और कर्लिंग भी करता है कि नहीं। मोस्टली हमारा यही मसला होता है कि स्ट्रेटनर तो है लेकिन कर्लिंग भी उसके साथ हमने करनी है, अलग से कर्लर तो नहीं लेंगे ना हम, तो छोटे कर्ल्स अगर डालने हैं बालों में तो वो उसके लिए तो कर्लर होता है। मैं वैसे कर्लर नहीं यूज़ करती, उसका भी मैं रिव्यू दूंगी, कर्लर का भी जब मैं परचेज़ करूंगी, अभी तो नहीं किया मैंने। और मैं इसके साथ ही कर्लिंग करती हूँ, मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो मैं ज़्यादा, मुझे सिर्फ नीचे नीचे कर्ल्स पसंद है तो मैं बालों में नीचे कर्लिंग कर लेती हूँ, ऊपर बालों के ऊपर कर्ल नहीं करती इतना। खैर, इसको ऑन कर लिया है मैंने, इसका टेम्परेचर ये बहुत जल्दी गर्म होना शुरू हो जाता है और मुझे यही डर था कि कुछ जल ना जाए, लेकिन एंड पे जल जाता है कुछ। खैर, इसको हमने रखा साइड पे और ये इसकी स्प्रे है, मैं थोड़ा सा इसको स्प्रे करके आपको दिखाती हूँ। और ये साथ ही मेरे पैरों को कोई चिपक रहा है अभी, मेरे ये लो मेरा स्टैंड भी हिला दिया, हुरैन है ये मेरे पैरों में और इसको सुकून नहीं आ रहा। मुझे डर था कि इसके ऊपर ना स्टैंड गिर जाए और इसको चोट ना लग जाए। खैर, उसको पीछे करके तो ये मेरा हाथ भी जल गया। स्प्रे मैंने करके दिखाई और स्ट्रेटनर मैं बंद कर चुकी थी लेकिन ये बहुत गर्म हो गया था विद इन फ्यू सेकेंड्स और मेरा हाथ भी अच्छा खासा जल गया था। ये दोबारा से हुरैन ने स्टैंड हिला दी है, तो जलजले के झटके नहीं, अल्लाह माफ़ करे आ रहे, लेकिन ये जो एक बच्चा है शरारती सा हमारा, वो कोई चीज़ हमारे पास टिकने नहीं रहता। खैर, ये सब चीज़ें थी स्ट्रेटनर की और इसके बॉक्स के अंदर जो जो कुछ था ये सब चीज़ें मैंने आपको शो की हैं, दिखाई हैं, बाकायदा उनके बारे में बताया है। बॉक्स मैंने इसको जो रिमिंगटन का ये स्ट्रेटनर है इसकी पैकिंग मैंने अब चेक की है, जब मैंने परचेज़ किया था ये ऊपर बना हुआ था स्प्रे वाला, लेकिन अब पैकिंग इसकी थोड़ी सी चेंज है, ये स्प्रे वाला अब नहीं बना हुआ। और एक दो, थैंक यू सो मच।